Assalamu alaikum and welcome to my channel. In this video, I will show you how to use Canva like pro. मैं इस चैनल में Canva पर एक complete series बनाने वाली हूँ जिसका ये part 1 है. इसमें मैं बताऊँगी कि आप किस तरह Canva में pro design बना सकते हो. तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे. चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले गूगल पर आते हैं और सर्च करते हैं Canva. Canva एक ग्राफिक डिज़ाइन वेबसाइट है जिसमें आप कोई भी चीज़ डिज़ाइन कर सकते हो, कोई भी वीडियो कुछ भी बना सकते हो. यहाँ आप जैसे कि लिखा हुआ है विजुअल सर्ट फॉर एवरीवन. यहाँ साइड पे Canva के फाउंडर्स और ये कब जो है वो इजाद हुई, कब ये सारा बना, ये कहाँ पे है, इसका मेन हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सारा कुछ साइड पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो गूगल पे. बट अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और इसका जो मेन लिंक है वहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं. जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे ये थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ ये स्टार्ट करना शुरू कर देगा. ये आपके पास Canva का मेन डैशबोर्ड आ गया. मैं यहाँ आपको बताती चलूँ कि आप ये चीज़ मोबाइल पे भी कर सकते हो. मोबाइल पे Canva की ऐप है जहाँ आप प्ले स्टोर पर जाकर Canva की ऐप डाउनलोड करके ये सारा कुछ आप कर सकते हो. यहाँ अब जैसे कि आपके सामने ये सब कुछ आ चुका है, यहाँ देखें ये Canva का डैशबोर्ड है. जैसे लिखा हुआ है मेड मैजिक स्टूडियो, यहाँ हर चीज़ एक्सप्लेन की हुई है. जैसे कि लिखा हुआ है होम मैजिक स्टूडियो, प्रोजेक्ट्स, टेम्पलेट्स, ब्रांड, एप्स, ये सारा कुछ जो है साइट पे लिखा हुआ है. ठीक हो गया. यहाँ जो है अब साइट पे क्रिएट अ डिज़ाइन लिखा हुआ है और यहाँ अगर थोड़ा सा हम नीचे आएंगे देखें यहाँ फॉर यू, डॉक्यूमेंट्स, वाइट बोर्ड्स, प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया की कोई भी चीज़ आप किसी भी पोस्टर उसकी पोस्ट को क्रियोसल हो या कोई भी चीज़ हो आप यहाँ पर याद कर सकते हैं. यहाँ थोड़ा सा आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये देखें यहाँ आप इवन वेबसाइट भी बना सकते हैं. वो साइट पे ऑप्शन लिखा हुआ है वेबसाइट का, आप अपनी वेबसाइट भी यहाँ पे इजीली क्रिएट कर सकते हैं. ठीक हो गया. मैं जो है वो अब यहाँ पे ये देखें जैसे ये नीचे आप थोड़ा सा आएंगे तो ये यू माइट वॉन्ट टू ट्राई, ये देखिए बिजनेस कार्ड है, पोस्ट कार्ड है, इंस्टाग्राम पोस्ट है, डॉक्यूमेंट्स आप किसी तरह का भी डॉक्यूमेंट बना सकते हो. यहाँ पहले से पोस्ट जो है वो टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं, उसको आप एडिट भी कर सकते हो. यहाँ मैं मोर पे क्लिक करूँगी, जैसे मोर पे क्लिक करूंगी आपके पास और भी ऑप्शन आ जाएंगे. जैसे कि इन्फोग्राफी का बना सकते हो, फोटो कॉलेज जो हम मोबाइल पे एडिट करते हो यहाँ से कर सकते हो, अपने लैपटॉप का डेस्कटॉप वॉलपेपर आप खुद बना सकते हो, कोई भी ग्राफ बना सकते हो, बुक का कवर बना सकते हो, माइंड मैप, मैगजीन कवर, जूम विचुअल बैकग्राउंड, कैलेंडर, पोस्टर एंड वर्कशीट कुछ भी बना सकते हो. और मैं इस सीरीज में ये सारा कुछ आपको लाइव बना के दिखाऊंगी और दिखाऊंगी कि आप किस तरह, ना होते हुए आपके पास प्रो Canva नहीं है क्योंकि प्रो Canva पेड होता है, लेकिन आप फ्री में किस तरह ये सारा कुछ बना सकते हो. तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सीरीज़ में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द मिलती रहे. ठीक है, यहाँ मैं आगे आऊँगी तो जैसे कि वर्कशीट है, रिपोर्ट है, प्लानर आप यहाँ पे बना सकते हो, कॉमिक्स ट्रिप प्रपोजल. ठीक हो गया. जैसे ये लिखा हुआ क्लास का पूरा शेड्यूल, कॉन्सेप्ट मैप, आर्टिस्टिक सीडी कवर, ग्राफिक डिज़ाइनर लिमिटेड और पता नहीं कितनी सारी टेम्पलेट यहाँ आपको मिल जाएंगी. लेकिन आपने प्रो की तरफ नहीं जाना, जो फ्री है उनकी तरफ आना. जैसे मैं यहाँ जो साइड पे ऑल टेम्पलेट्स लिखा हुआ है, जैसे अब मैं इस पर क्लिक किया तो ये सारी मेरे पास जो है ये सारी टेम्पलेट्स आ गई हैं. ये सारी टेम्पलेट्स आपके पास यहाँ प्रेजेंट है, आप इसको एडिट भी कर सकते हो. आप इसको जो है वो खुद नया कस्टम डिज़ाइन, मतलब कस्टम डिज़ाइन कोई भी आप साइज़ रखें किसी भी टेम्पलेट का, आप खुद एक सादी सिंपल वाइट कलर की जो टेम्पलेट है वो जो आपके पास होती है तो उस पर आप खुद भी डिज़ाइन कर सकते हो. जैसे यहाँ मैंने बर्थडे पर क्लिक किया और मैं देखती हूँ कि बर्थडे की मेरे पास कौन कौन सी टेम्पलेट्स आती हैं. बर्थडे टेम्पलेट्स अब जैसे मेरे पास जाहिर हो चुकी है, ये थोड़ा सा मैं इसको नीचे करूँगी और जैसे ही मैं इसको नीचे करूँगी देखें कितनी ज़्यादा हमारे पास वेबसाइट आ गई हैं. कुछ ये वीडियोज़ हैं, कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ प्रो में हैं, कुछ फ्री में हैं, बट आपने सिर्फ फ्री में जाना है. और यहाँ मैं साइड पे ये जैसे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स, वाइट बोर्ड, यूट्यूब बैनर, यूट्यूब शॉर्ट्स, आप यहाँ कस्टम डिज़ाइन पर भी क्लिक कर सकते हो. ठीक है, जैसे ये देखें कोई भी डिज़ाइन, आप यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन लो, उसकी विड्थ और हाइट अगर आपको साइज़ मालूम करना आता है. ठीक है, पता है जैसे YouTube थंबनेल का क्या साइज़ होता है, उसके चैनल लाइक का क्या साइज़ होता है, यहाँ आप साइज़ लिखो तो आपके पास जो है इस तरह की एक टेम्पलेट जाहिर हो जाएगी, इस तरह का एक स्क्रीन आपके पास जाहिर हो जाएगी. ठीक हो गया. नहीं तो YouTube बैनर, चैनल आर्ट, हर चीज़ का वो नीचे उन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं, उन पर आप क्लिक करो, खुद ब खुद आप उतने साइज़ की टेम्पलेट आपके पास आ जाएगी. यहाँ आप सबसे पहले हमारे पास ये देखें यहाँ साइड पर जो स्क्रीन है, यहाँ आप ज़रा गौर कीजिए, यहाँ साइड पर सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ डिज़ाइन. डिज़ाइन में दो ऑप्शन है हमारे पास, टेम्पलेट और स्टाइल. टेम्पलेट में अब आपके जो है ज़रा देखें कि
ये कितने ज़्यादा हमारे पास जो है वो टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। ये देखें, कोई प्रो है, कोई सिंपल है, कोई मतलब वीडियोज़ में है, कोई पिक्चर्स में है। ये देखें, एक जिस पे मैंने क्लिक किया, ये कितना प्यारा है। और एक में भी ये 18 पेजेस की ये है, ठीक है, 18 वीडियोज़ है छोटी छोटी, जिसको आप एडिट कर सकते हो, ठीक हो गया। यहाँ आप पिक्चर्स चेंज कर सकते हो, फोंट्स चेंज कर सकते हो, राइटिंग चेंज कर सकते हो। इतने ज़्यादा धागे यहाँ जो है वो इतने इतने प्यारे डिज़ाइंस के आपके पास जो है वो यहाँ अवेलेबल होते हैं। आई नो फोटोशॉप इलस्ट्रेशन ये सारा कुछ जो है वो थोड़ी ऊपर की वेबसाइट से, बट कैनवा भी किसी से कम नहीं है। यहाँ भी अच्छी खासी जो है वो डिज़ाइन अवेलेबल होते हैं। आप इन डिज़ाइंस को यहाँ पर बनाएं, यहाँ पर खुद बनाएं, प्रैक्टिस करें, लोग दूसरों का ना आप कॉपी करें, बट थोड़े से उनसे इंस्पायरेशन लें और आगे इन डिज़ाइंस को सेल करें। फाइवर पे, अपवर्क पे, किसी भी जगह पर इनको सेल करना शुरू कर दें। इसकी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड है, और इससे आप यकीन करें, जस्ट कैनवा प्लस फाइवर को, इन दोनों को मिलाकर आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। और यहाँ मैंने फाइवर पे ये किस तरह बनाते हैं, जहाँ आपको पहले वीक ही ऑर्डर मिल जाएगा, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको दे दूंगी। यहाँ आप ये देखें, जैसे मैंने कलर चेंज कर दिया, यहाँ अब मैं बिजनेस प्रपोजल है, इसको हम थोड़ा बहुत जहाँ मैंने एडजस्ट करना हो वहाँ करूँगी। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाऊँगी या नीचे ले जाऊँगी, जैसे मेरा दिल करेगा। यहाँ मैं इसको जो है वो ये रिमूव कर दूँगी, मुझे बिजनेस प्रपोजल नहीं लिखना, तो मैं यहाँ कुछ भी लिख दूँगी जो मुझे मेरी टेम्पलेट या मेरे कस्टमर या मेरे क्लाइंट ने जो मुझे कहा है कि आप लोग उस तरह की टेम्पलेट बनाओ, तो मैं वो लिख दूँगी। या मुझे अगर किसी की ज़रूरत है तो मैं वो वाला जो है टेक्स्ट यहाँ ऐड कर दूँगी। यहाँ जो है अब मैं जैसे ये लिख रही हूँ, वॉचिंग वॉच नाउ, ठीक है, ये इस तरह जो है मैंने बैड कर दिया। अब यहाँ मैं इसने कलर मैंने चेंज कर दिए हैं थोड़े बहुत, ठीक है। तो ये पिछला जैसे ये मैं कलर चेंज कर रही हूँ, टेम्पलेट का मैंने आपको बता दिया। दूसरी तरफ जो होता है स्टाइल, स्टाइल में आप डिफरेंट कलर्स चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने ये पहले ब्राउन था, उसमें रेड, फिर अब पर्पल किया है। यहाँ आप फॉन्ट सेंट में आप डिफरेंट फॉन्ट है, जैसे आप 3 लाइन्स का बताया हुआ है, यहाँ डिफरेंट फॉन्ट्स आप सेंड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कितने ज़्यादा फॉन्ट्स होते हैं आप जान भी नहीं सकते, लेकिन उन फॉन्ट की वजह से आपकी जो है वो कितना प्यारा लगता है, जो आपका डिज़ाइन होता है वो आपको पता होना चाहिए। रिसेंट डिज़ाइन आपने क्या क्या किया है, और ये इमेज प्लेट से, मतलब यहाँ ये देखें, ये इमेज को मैंने इस पर क्लिक किया तो ये सारा रेड हो गया है। इसके मुताबिक आपको ये कलर सारा एडजस्ट कर देगा, ठीक हो गया। यहाँ कलर पैलेट्स जो है सबसे बेस्ट चीज़ है। अगर आपको कलर थ्योरी का नहीं पता तो आप इस तरह जो है वो इसलिए अपना कलर जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको मुश्किल हो रही है कि मैं कौन सा कलर चूज़ करूँ, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन डिज़ाइन में टेम्पलेट और स्टाइल आ गया, और ये दोनों जो है मैंने आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दिए हैं। और नेक्स्ट जो है वो आप ये देखेंगे ऑप्शन आ रहा है कॉलेज, स्कूल, ग्रीन, पिंक, ये इतनी चीज़ें आएंगी। यहाँ पे आप क्लिक करोगे वो आपके पास टेम्पलेट्स आ जाएंगे। और स्टाइल में डायनामिक, बोल्ड, स्लीक, कौन सा आपको स्टाइल चाहिए। अगर बोल्ड में चाहिए कि मतलब अगर आप चाहते हो कि मेरे जो टाइपिंग है, जो मेरी टेक्स्ट है, वो बोल्ड में हो, तो बोल्ड पर क्लिक करो, बोल्ड वाले सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है, दैट वॉज द एलिमेंट्स। एलिमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ एनी डिज़ाइन एंड इन कैनवा। एलिमेंट्स जो है वो सबसे ज़्यादा जो है एडवांस चीज़ होती है किसी भी डिज़ाइन में। यहाँ एलिमेंट्स में कैनवा के इस एलिमेंट्स के ऑप्शन में आप कुछ भी सर्च करते हो, जो सर्च करोगे वो आ जाएगा। बट एक बात का ख्याल रखिएगा, पेड की तरफ नहीं जाना, जो फ्री होंगी वही चीज़ें यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। यहाँ एलिमेंट्स में मैंने रिसेंटली कुछ यूज़ किए हुए हैं, जैसे ये स्क्वेयर है, सर्कल है, यहाँ आप कुछ भी सर्च कर लो, ठीक है, जो आपके डिज़ाइन के मुताबिक आपको लग रहा है। जैसे मैं यहाँ एरो सर्च करती हूँ कि मुझे एरो चाहिए, ठीक है। तो ये एरो जो है अब ये मेरे कुछ एरो ज़ाहिर होंगे, तो मैंने थोड़ा सा इसको वीडियो को आगे कर दिया है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी। बट मैंने यहाँ आपको एरो कुछ लगा कर दिखाए हुए हैं, पिक्चर पर देख सकते हैं, ब्लैक कलर, व्हाइट कलर के, ठीक है। ये सारे एरो जो है यहाँ ये नीचे आए हुए थे, तो ये मैंने यहाँ पर कुछ लगाए हुए हैं, ठीक है। अगर एलिमेंट्स पर कुछ और भी आप सर्च करना चाहते हो, जैसे अभी मैं दिख रहा था कि मैं कुछ और सर्च करूँगी, जैसे मैं फ्लावर सर्च कर रही हूँ, तो फ्लावर जो है यहाँ डिफरेंट फ्लावर्स आ जाएंगे। जैसे इसके कुछ ऑप्शन होते हैं, जैसे ऑल में सारा कुछ आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, ग्राफिक्स, फोटोज़ और वीडियोज़ को मिला के। ग्राफिक्स में जाएंगे तो वो थोड़ा कार्टूनिस्ट टाइप जैसे होता है, फ्लावर्स वगैरह उस तरह के आपको ग्राफिक डिज़ाइन में जो है उस तरह के फ्लावर्स मिलेंगे। जैसे मुझे ये अच्छा लग रहा था तो मैंने इसको क्लिक किया और ये उसी वक्त मेरे डिज़ाइन पे आ गया। आप इसको इधर उधर करके एडजस्ट भी कर सकते हो, ठीक हो गया। फोटोज़ में आपको नेचुरल फ्लावर्स मिलेंगे, मतलब नेचुरल चीज़ें मिलेंगी, कुछ भी सर्च करोगे वो नेचुरली उनकी फ़ोटोज़ होंगी। एंड वीडियोज़ में जो है वो ऑब्वियसली आपको वीडियोज़ ही मिलेंगी, जहाँ आप उसको अपने वीडियोज़ में यूज़ कर सकते हो, ठीक हो गया। यहाँ जो है जैसे ये फ्लावर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसको जो है वो पीछे को मतलब मैंने इसको डिज़ाइन पर लगा लिया। अब एक बात और, ये मैं रैंडमली बना रही हूँ, कोई किसी के लिए नहीं बना रही, ठीक है। आपको अगर आप अपने लिए बनाओ, आप ये जो है वो कैनवा या कोई भी प्लेटफॉर्म जो डिज़ाइनिंग वाला हो वो तभी यूज़ कर सकते हो जब आप क्रिएटिव हो। अगर आपको आपका माइंड क्रिएटिव होगा, आप क्रिएटिव हो गए, तो आप छोटे से छोटे लेवल में, मतलब जो प्रो नहीं है उससे, दूसरी जो कैनवा फ्री जो है उससे भी आप अच्छे खासा प्रो डिज़ाइन बना सकते हो, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है टेक्स्ट आता है, टेक्स्ट में ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स में मैं क्लिक करूँगी। यहाँ जो है मेरे पास एक टेक्स्ट का
का उन्होंने पहला दिन तक अपने यहाँ पे जो है कुछ भी लिखना तो लिखो, ठीक हो गया। यहाँ मैं जैसे इसको रिमूव कर दूँगी, जो पैराग्राफ टेक्स्ट को मैं रिमूव कर दूँगी, और यहाँ मैं अपनी जो लिखना हो मैं लिख दूँगी। जैसे मैं अपने चैनल का नाम लिख रही हूँ एट वर्निंग, ठीक है। यहाँ जो है एट वर्निंग में लिख रही हूँ। यहाँ जो है अब ऊपर आपके पास भी कुछ ऑप्शन होते हैं, वो आप कर सकते हो। टेक्स्ट में मैंने फिर थोड़ी वीडियो आगे कर दी है, क्योंकि टेक्स्ट में आप अपना उसका कलर चेंज कर सकते हो, वो शो में चेंज कर सकते हो। आप एक दफ़ा कैनवा को खोल के देखें, आपको खुद ही हर चीज़ समझ आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा बहुत आप उसे एक्सपीरियंस लें। अपलोड्स में नीचे जो है ब्रांड लिखा हुआ है टेक्स्ट के नीचे, उसका आपका कोई काम नहीं है। उसके नीचे अपलोड्स है, अपलोड्स में आप इमेजेस, वीडियोज़ और ऑडियोज़ अपने जो लैपटॉप में या मोबाइल में आपके प्रेजेंट है, वहाँ से आप अपलोड करके अपने डिज़ाइन में ऐड कर सकते हो, और ये बेस्ट ऑप्शन होता है भी वेबसाइट में। नेक्स्ट जो है वो, जैसे मैंने यहाँ अपलोड फाइल्स में क्लिक किया तो कोई भी आपके पास इस तरह ऑप्शन आ जाएगा। मोबाइल है तो उस पर भी आपकी गैलरी की तरफ आपके ऑप्शन आ जाएंगे। वहाँ आप किसी भी चीज़ पे क्लिक करो और ओपन या सेव पे करोगे या अपलोड पे क्लिक करोगे तो अपलोड फाइल्स आ जाएगी, ठीक हो गया। अपलोड के नीचे जो है वो डिफरेंट साउंड है, जैसे मैं आपको यहाँ करके दिखा देती हूँ। जैसे एक साउंड है, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये नीचे वो पिक्चर या वीडियो के नीचे जो है ये साउंड लग गया है। अब यहाँ जो है ये थोड़ा इसको मैं एडजस्ट भी साउंड का कर सकती हूँ, ठीक है। थोड़ा इसकी ये देखिए डुप्लीकेट ट्रैक कर सकती हूँ, डिलीट ट्रैक कुछ भी कर सकती हूँ। आप यहाँ जो है अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। अर्निंग इस तरह कर सकते हो कि इन डिज़ाइंस को आप फाइवर पे या अपने सैम्पल फाइवर में दो और अच्छी खासी अर्निंग करो। यहाँ जो है अपलोड के नीचे ड्रा है, ड्रा जो है वो ये लिखेंगे कितने ज़्यादा मार्कल्स आ गए हैं, ठीक है। इन मार्कल्स से आप ड्रा भी कर सकते हो। मेरे ख्याल से इन मार्कल्स का कोई काम नहीं, जब आपके पास एलिमेंट टेक्स्ट डिज़ाइन ये सारा कुछ टेम्पलेट्स वगैरह मौजूद हैं तो। लेकिन फिर भी अगर आप किसी में चाहते हो, आपको ज़रूरत है, तो आप ये जो है वो ड्रा वाली मार्कल्स ये देखेंगे यूज़ कर सकते हो, इनको एडजस्ट कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ फिर जो है वो डिफरेंट है मार्कल्स, ठीक है। जैसे ये सेटिंग्स जो है इसकी सेटिंग चेंज वगैरह कर सकते हो। यहाँ फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स में आ जाएंगे। प्रोजेक्ट्स वही जो अब तक आपने क्या कुछ किया हुआ है, ठीक है, वो सारे प्रोजेक्ट्स हैं। अब अगर जो आप डिज़ाइन बना रहे हो, इस डिज़ाइन में अगर आपने अपने प्रोजेक्ट्स ऐड करने हैं तो आप किस तरह करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो मैं यहाँ देखिए इमेजेस, फोल्डर, डिज़ाइन, ये सारा कुछ है। नीचे ऐप्स है, ऐप्स में फिर आपने कुछ नहीं करना, ये कुछ भी नहीं है। इसके बाद नीचे ऑडियो है, ऑडियो में आप जितनी भी अपनी वॉइस है ना वगैरह वो कर लोगे। लेकिन ऑडियो में यहाँ कैनवा का ऑडियो सारे के सारे प्रो हैं, ठीक है। मैं सजेस्ट करूँगी कि हमेशा ऑडियो जो है वो खुद गूगल से कहीं से भी डाउनलोड करके अपलोड करिए, वो अपनी वीडियो या पिक्चर में ऐड करें। नेक्स्ट जो है हमारे पास बैकग्राउंड आता है, बैकग्राउंड जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ कितने ज़्यादा बैकग्राउंड्स आपके जो है वो हो सकते हैं, मतलब पीछे कितने ज़्यादा बैकग्राउंड्स हैं। अब नीचे मॉकअप्स हैं, मॉकअप से जो है मॉकअप्स क्या होता है कि मॉकअप्स जैसे ये लड़की ने फ़ोन पकड़ा हुआ है या लैपटॉप है कोई भी चीज़ है, उसमें आपका डिज़ाइन एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ भी करके भी दिखाऊंगी कि जैसे मैं एक लैपटॉप पे क्लिक करती हूँ तो ये देखेंगे जैसे स्क्रीन पे हमारे पास हमारे डिज़ाइन पे लैपटॉप शो हो गया है। और ये मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर देती हूँ, मैंने इसको कहाँ कहाँ का रखना है, मैं थोड़ा सा साइड पे कर देती हूँ। अब यहाँ जो है वो उन्होंने कहा कि अपना जो डिज़ाइन है वो इंसर्ट करें इस इमेज पे, मतलब लैपटॉप की इमेज में। या मैंने ये फ्लावर उठाया और इसको मैं ड्रैग करते हुए इस लैपटॉप के स्क्रीन पे छोड़ दिया। जैसे मैंने छोड़ा ये देखें यहाँ से ये जो है वो सर्कल होना शुरू हो गया कि आपका डिज़ाइन जो है वो अभी हो रहा है। यहाँ जो है जैसे ही होगा तो आप जो है ये देखें कुछ देर यहाँ वेट करें तो आपके लैपटॉप के ऊपर जो है ये एडजस्ट हो जाएगा आपका डिज़ाइन उसी के मुताबिक, जितना साइज़ है जितनी स्क्रीन है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो यकीन करें मॉकअप्स में अगर आप डिज़ाइन अपना लगा के अपने क्लाइंट्स को इवन अपने फाइवर के गिग में या अपवर्क में या कहीं भी लगाते हो तो वो ज़्यादा इफेक्टिव लगता है एज़ कम्पेयर टू सिंपल डिज़ाइन आपने लगाया हो उसकी बनिस्बत मॉकअप्स में अच्छा खासा होता है। और यहाँ मॉकअप्स की अच्छी खासी जो है वो अवेलेबल है, मॉकअप्स ठीक है बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। जैसे ये देखें लैपटॉप्स में आकर तो वो फ्लावर एडजस्ट हो गया, ठीक हो गया। मैंने जो है यहाँ साइड में हर चीज़ एक्सप्लेन कर दी। आई होप सो कि थोड़ा बहुत जो है वो आपको कुछ सीखने को मिला होगा। ये मेरा पार्ट वन था इस सीरीज़ में। मैं बहुत से ऐसे डिज़ाइनर लेके आने वाली हूँ, ठीक है। तो कैनवा में थंबनेल, यूट्यूब फ्लायर, ब्राउचर, ये जितने भी ग्राफिक डिज़ाइन के जितने भी बेस्ट वेबसाइट हैं वो किस तरह आप प्रो लेवल में बना कर सकते हो, तो इसके लिए जाने के लिए प्लीज़ मैं अगेन कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब यहाँ ये देखिए मैं एक ये हो रहा है मेरे पास, मैं थोड़ा सा इस पर क्लिक करूँगी तो यहाँ ऊपर साइड पर ट्राई कैनवा प्रो के साथ यहाँ अपने डिज़ाइन को भी नाम दे सकते हो जो आपने लिखा हो। जैसे वह पहले कुछ था तो मैंने डिज़ाइन 12 लिख दिया, ठीक हो गया। फिर जो है वो आप इसको सेव किस तरह करोगे कि जैसे ये साइड पे शेयर लिखा हुआ है, यहाँ शायद आपकी स्क्रीन पे ना जाहिर हो लेकिन जब आप देखोगे ना वहाँ तो वहाँ आपको शेयर लिखा होगा, यहाँ शेयर लिखा होगा। तो यहाँ पे आप अपने यहाँ डाउनलोड करना है और इस पिक्चर्स को आप डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड पे या आप इसका लिंक कॉपी करके भी भेज सकते हो, बट बेटर है कि आप जो है वो इसको डाउनलोड करो
उसके फाइल को अपने मोबाइल या लैपटॉप में सेव करो एंड देन फिर वो कहीं ट्रांसफ़र करो, ठीक हो गया। फिर जो है आप इसको सोशल मीडिया पर भी शेयर कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करूँगी। अब यहाँ ये डिफरेंट फॉर्म्स देखा, लाइक PNG, JPG, PDF, स्टैंडर्ड PDF, प्रिंट फॉर्म में, MP4 वीडियो में, GIF में, जो बिल्कुल शॉर्ट वीडियो होती है जिसकी कोई साउंड नहीं होती, GIF की, या कुछ भी किसी में फॉर्म में आप इसको सेव कर।